मेरा नाम सैयद मुजाहिद है, मेरे फादर का नाम सैयद अजमल है। तो मैं लास्ट 1 वीक से हॉस्पिटल में हूँ मैं, लेकिन ये हॉस्पिटल के बारे में मुझे अच्छा ये लगा कि सर्विस बहुत अच्छी है और हमारे जो डॉक्टर थे न्यूरो के, उनका नाम मृदुला मैडम है, तो वो भी बहुत ग्रेट है। उन्होंने जो टाइम पे आना करना और रेस्पॉन्स देना, ऐसा नहीं है कि एडमिट एक बार करा देने के बाद डॉक्टर को फिरना पड़ता, देखना पड़ता कहाँ है डॉक्टर साहब, थोड़ा कॉन्टैक्ट भी लेट होता है। इससे पहले भी कई हॉस्पिटल में मैं जा चुका हूँ, लेकिन ये हॉस्पिटल की एक अच्छी बात यह है कि सर्विस बहुत अच्छी है, इमीडिएट आना करना बात करना, और उसके साथ जो मेन क्या रहता डॉक्टर के बाद स्टाफ का रहता, तो स्टाफ का तो इतना अच्छा है कि कभी भी ज़रूरत पड़ा तो इमीडिएट बज़र दबाते नर्स आ जाना, और वार्ड बॉय ये ज़्यादा टच में रहते पेशेंट्स के। तो जो दूसरे हॉस्पिटल्स में मैं जो सर्विस देखा, मैं लेट आना, लोगों के पीछे भाग लेते फिर ना, अरे मैडम पेशेंट को ये प्रॉब्लम है हम अभी आ रहे, चले जाना, ऐसा ये हॉस्पिटल में ऐसा कुछ नहीं है। खाली इमीडिएट ऐसा बज़र दबाते, क्या हुआ मैं सर, क्या हुआ, ऐसा मुझे फिरने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा। और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कोई जैसा कि कोई होटल में रहते, जैसा कि कोई बड़ी होटल में 3 स्टार 5 स्टार वैसा सर्विस लगा मेरे को। तो हमारे फादर भी यही बोले कि इतने हॉस्पिटल्स अपन गए करे फिरे, लेकिन ये हॉस्पिटल की सर्विस ऐसा इतनी अच्छी है। मृदुला मैडम भी बहुत कॉपरेट करे। एक्चुअली हमारे फादर को जो प्रॉब्लम हुआ था, एक तो सोडियम कम हो गया था, सोडियम इतना कम हो गया कि चक्कर आ रहा था उनको, बात करने के लिए बराबर नहीं आ रहा था, बात भी चले गया जैसा लग रहा था। फिर मृदुला मैडम आके जो करेक्शन करे, जो टाइम टू टाइम उनका ब्लड सैंपल लेते गए, देखते गए, मेडिसिन देते गए, और जो बैक पेन हो रहा था मृदुला मैडम पूरा हर चीज़ जो सीवियर हो रहा था एवरीथिंग पूरा ओके करके बोले कि आपको ज़्यादा दिन रहने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं पूरा कंप्लीट करेक्शन कर दी हूँ, आप जा सकते हैं, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे फादर को बातचीत में हर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया, अब हम लोग हैप्पी कस्टमर है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई इंटरव्यू दियो बोल रहे हैं, कोई मेरे ऊपर दबाव है, प्रेशर है या कुछ हॉस्पिटल का एडवर्टाइजिंग करना है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मेरे फादर एकदम मैं हेल्थी, अब मैं उनको घर को ले लेकर जा रहा हूँ। थैंक यू।